बेगूसराय जिले के चेड़िया बाजार में प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को पंचायत स्तरीय कड़ियों के लिए स्थानांतरण उपरांत विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित की गई। उक्त सम्मान समारोह में पंचायत सचिव एवं आवास सहायक को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर निवर्तमान प्रखंड प्रमुख शोभा रानी ने कहा कि अपने अच्छे अनुभवों को आम जनता के कार्य में लगाना चाहिए ताकि जनता को कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वही नए कर्मियों को बेहतर कार्यशैली के साथ आम लोगों के बीच कार्य करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में सेवा का भाव उनका उद्देश्य होना चाहिए। मौके पर मौजूद उपप्रमुख राजेश सनी, मुखिया राजेश कुमार, सुजीत कुमार पासवान, गंगा सागर राम, पंजस मनोज भारती, पुनीत कुमार, निरंजन कुमार उप टुंटुन समेत कई लोग मौजूद थे। बीडी न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। पंचायत समिति सदस्य और साथ में हमारे पंचायत सचिव महोदय, कर्मी महोदय, बहुत ही दुख की बात है। मेरे लिए कुछ ज्यादा ही दुख की बात है क्योंकि मैं महिला प्रमुख थी और मेरे साथ हमारे समिति थे, फिर भी मैं मेरे घर से कोई पुरुष नहीं, लेकिन हमारे जितेंद्र बाबू नाजी बाबू, मैं उन्हीं से किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहती थी तो मुझे प्राप्त हुई और मुझे बहुत सहयोग करते। जूनियर जितेंद्र बाबू ये भी हमें बहुत मदद करते थे और ये प्रखंड आज मैंने शपथ की समय ली थी उस समय भी मैंने कसम खाई थी कि जब तक आप लोगों ने मुझे साथ न देंगे ये हमारी प्रखंड पंचायत आगे नहीं जाएगी। इसलिए इन सब का मेरे लिए बहुत ही बहुत कितना कहे जितना कम है, इतना गर्व बात है कि हम सभी के आभारी हैं जो इन सभी लोगों ने हमारे प्रखंड के लिए कार्य किए हैं, प्रखंड के लिए अपनी जी जान लगा के इस कोरोना काल में भी अपने प्रखंड को, कभी भी ये महसूस इन लोगों को नहीं हुआ कि हम कोरोना में कहाँ जाएं ना जाएं, क्या होगा मेरे बाल बच्चे को, लेकिन प्रतिदिन आते रहे और मैं भी वैसा ही थी जो मैं भी प्रतिदिन कोरोना काल में उपस्थित हो जाती थी और इन लोगों को देखते थे कि हाँ ये सभी हमारे कर्मी मौजूद हैं, बड़े ही अच्छी बात है। और मैं क्या कहूँ, आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, हमेशा आपकी चर्चा होगी, हम चाहे अपने किचन में हो, हमारे बाल बच्चे के साथ हो, या हम अपने पंचायत समिति के साथ हो, या मुखिया जी के साथ हो, लेकिन आप लोगों कर्मी की चर्चाएं होती रहेंगी। आप ऐसा महसूस नहीं करें कि हम भूल जाएंगे, आपकी चर्चा एकदम होगी और हम कोशिश करेंगे कि आपसे जाकर भी मिले और मिलने की प्रयास रहेगी। और अब तो समय खत्म होने वाली है, आपको यही शुभकामना देते हैं कि आप जहाँ भी जाएं अच्छे से अपने ईमानदारी तरीके से बाल बच्चों के लिए भी सोचे और हमारे प्रखंड के पंचायत के सभी जनता गरीब के लिए भी सोचे। और इसी के साथ